अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया चार धाम सब उसी घर में आ जाते हैं। जिस दिन घर में सत्संग और घर में हरि कीर्तन हो इतने महिमा। इसलिए आप लोग अगर घर में शांति सुख लाना चाहते हो, घर में हमारी शांति सुख बने रहे, पैसा शांति सुख देगा नहीं है? पैसा शांति सुख नहीं देगा, वो शांति तो प्रभु का भक्ति प्रभु का सत्संग ही शांति सुख देगा। इसलिए आप इधर उधर नहीं काम करके घर में बुलाना प्रभु जी को, आएंगे हैं? इसलिए ज्यादा कोई खर्चा नहीं, ये लोग आएंगे, आप बिछाने के लिए कुछ बिछा देना, ठाकुर को रख लेना, और ये लोग बता ना ज्यादा कोई खर्चा नहीं, एक एक केला जो आएंगे उनके हाथ में एक एक केला पकड़वा देना। हमारे गुरु जी तो कहते एक एक केला भी नहीं ना, सबका हाथ में एक एक तुलसी पता दे दो। गुरुदेव कहते एक एक तुलसी पता दे दो। और घर में क्या करो, घर में सत्संग कराओ, घर में सत्संग कराओ। उल्टा पुल्टा लोगों को बुला करके उल्टा पुल्टा डिस्को ध्यान समेत नित्य नाचना नहीं है। ये जो केक कटवाना ये हमारी संस्कृति नहीं है, केक कटवाना ये अंग्रेजों का संस्कृति, केक कटवाना हमारी संस्कृति है। हर चीज में प्रभु का नाम को द्वारा कराओ, ठाकुर का कीर्तन सत्संग हो, जिसको द्वारा घर का सारे दुख कष्ट दूर हो जाए और घर में हमारी शांति सुख बन रहे, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए आप लोग प्रभु जी को बुलाना घर में, ठीक है? तार जाएगी वहाँ तक, तो तार जाएगी, दोनों का तार बंद है, ये वाली चले जाएगी। हाँ जो जाएगा, अरे चालू तो करो इसे, नहीं उधर ही आ जाएगी। हो ना इधर, अरे ये चल रहा है, हरे कृष्णा, ये चल नहीं रहा जी, हरे कृष्णा, अभी चलता है, इधर ही आ जाएगी। हाँ इधर आ जा, बस यही खड़े हो, बोलो बोलो। दुर्वेग और राधिका कृष्णाय कृष्ण भक्ताय, उसको इको कम कर, इको बंद कर दो, उनको पता नहीं को क्या होता है। पीले वाले स्विच बंद कर दो, पीले वाले स्विच बंद कर दो। बोलो बोलो। दुर्वेग गौर चंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद भक्ति विदान श्रीधर गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णु पाद अष्टोत्र सिद्ध श्री श्रीमद भक्ति विदान श्रीधर गोस्वामी महाराज के श्री अभय चरणारविंद में अनंत कोटि जनक प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत निक्रीड़ा परमिष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्र सिद्ध श्री श्रीमद भक्ति विदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पण करती हूँ। उनकी हेतु की वांछाई कृपा करते हैं मेरे शिक्षा गुरुदेव पूज्य पाद बलराम प्रभु के चरणों में मेरा सहयोगी जनक प्रणाम और उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। देखो वो बहुत मतलब वो बहुत कंजूस थे, मतलब एक भी रुपया खर्च करने की उनकी नियत नहीं थी, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी भक्ति में लीन थी। तो वो उनको बोली तुम किसी को दान वान तो देते नहीं? बोले बावली दान देने के लिए पैसा कमा रहे हम। अरे अपने घर में अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे, दान वान की बात मत कर। बोले अरे मैं तो इसलिए कह रही तुम किसी को दान नहीं देते, किसी तीर्थ स्थान पे नहीं जाते, कम से कम हरिद्वार नहाया हूँ यहाँ से 10 किलोमीटर। यहाँ से 10 किलोमीटर ही है, किसी की भूखे में बैठ के चले रही हो। वो बोले हाँ ये बात तो ठीक बोल रही है और बहुत टाइम हो रहा है, चल चला जाऊंगा हरिद्वार। तो वो हरिद्वार चल दिए पैदल ही कि 10 किलोमीटर ही तो है, शाम तक पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने वहां जाकर भी ऐसा देखा जहाँ बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। तो वो तो भगवान देख रहे के ये पंडित जी जो बहुत कंजूस है, आज इसके साथ कुछ बातचीत करनी चाहिए। तो भगवान भी साधु का भेष रख के गंगा जी के पास आ गए। तो वो जैसे ही डुबकी लगा के गंगा जी से बाहर आए, भारी यजमान खड़े, साधु को भेष में भगवान खड़े। बोले यजमान यजमान आज तो आपके मेरे बहुत दिन में दर्शन हुए और आज तो कुछ आपको दान दक्षिणा देनी ही चाहिए। बोले बाबा तुम कहाँ से आए, यहाँ तो कोई नहीं था। बोले बच्चा महीने में कोई एक आदि तो आता है,
मैं भी यही पढ़ा था, एक कुटिया में मैंने देखा आप स्नान कर रहे हैं इसलिए मैं आ गया। बोला अच्छा तो क्या चाहिए? बस यजमान कुछ नहीं, एक साल की रोटी का प्रबंध करा दो। वो बोले कि एक साल की रोटी का प्रबंध करा दो। बोले एक साल की? तुम मेरे से नाश रखो एक दिन की भी। पंडित जी बोले कि तुम मेरे से नाश रखो एक दिन की भी। बोले बच्चा कुछ तो आपको दान दक्षिणा देनी चाहिए। बोले अच्छा तो 125 रुपया दे दो। बोले 125? बाबा 5 बार कथा करने जाऊं 125 रुपया जब मिलता है और तुमने एक बार ही मांग लिया, ऐसा नहीं मिलने का। बोले अच्छा। बोले चलो उधारी कर लो। कितना? 1 धेला 1 पैसा, और वो भी उधार। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं बच्चा, कम से कम आपने दान दिया तो सही, 1 पैसा उधार हो गया। अब उन्होंने एड्रेस पूछ लिया कि कहाँ पे आना है 1 रुपया लेने। तो 1 हफ्ते के बाद पंडित जी वो साधु पंडित जी के द्वार पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। बोले कृपा शंकर जी, पंडित जी यही रहते हैं? बोले हाँ जी यही रहते हैं। कथा करानी? बोले नहीं कथा नहीं करानी, वो आए थे ना हरिद्वार तो उन्होंने 1 पैसे का उधार दिया था। पत्नी अंदर गई, बोले हरिद्वार में कोई पंडित जी मिले थे? तो हाँ मिले तो थे। दान दिया था कुछ? बोले नहीं दान नहीं दिया था, जबरदस्ती चिपट गया था, कह रहा था 1 रुपए दे दियो तो दे देंगे। तो उसने तो वो कह रहे तो बाहर गई, तो उसे ये कहते कि वो घर पे नहीं है, वो बाहर गई। बोले पापा वो तो घर पे नहीं है। बोले अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ, भगवान भी बड़े हैवी थे कि मैं इंतजार कर लूंगा, इतने मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध करो। वो अंदर गई, बोली कि वो तो ये बोल रहे कि मैं इंतजार कर लूंगा, मेरे लिए खाने का प्रबंध करो। बोले अच्छा खाना भी हमारा ही खाएगा? उसे कहते वो घर पे नहीं है, वो तो बीमार हो रहे। तो वो बाहर गई, बोले पापा वो तो बीमार हो रहे हैं, उनकी तबियत ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। बोले अच्छा मेरे यजमान की तबियत खराब और मैं बाहर जाके गुलछर्रे उड़ाऊं, मैं तो यही रह के उनकी सेवा करूंगा। अब वो अंदर गई, बोली बाबा वो तो ये बोल रहे कि मैं तो यही रह के उनकी सेवा करूंगा। बोले अच्छा तो उसे जाके ये कह रहे वो तो चल बसे। अब वो बाहर गई, बोली बाबा वो तो अभी अभी चल बसे। बोले अच्छा बेटी तेरे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, चल सारी क्रिया मैं ही करा दूं। उन्होंने भी सबको मोहल्ले में नोता दे दिया कि कृपा शंकर जी के प्राण पखेरे उड़ गए, आप सब आ जाइए। सब आ गए। अब उसने अंदर जाके देखा, वो भी दर खींचे पड़ा, क्योंकि योग जानता था तो सांस खींचने की कला उसे आती थी, तो वो भी बिल्कुल ऐसे पड़ा जिसे बिल्कुल प्राण नहीं है। अब वो पत्नी बार बार कहे जा रही, अरे भाई ये मरे नहीं, ये तो जिंदा है। बोले बेटे क्यों चिंता कर रही, जाने वाला तो चला गया, अब क्यों विलाप कर रही तू, अंदर चल रहे। अब वो बार बार कहे जा रही, लेकिन सब सोच रहे हैं कि ये इनके दुख में बोल रही है, लेकिन कोई सुनने वाला कहाँ। अब उसे अर्थी पे लिटा लिया, लेकिन फिर भी उसने सांस नहीं लिया, क्योंकि अगर सांस ले लेता तो 1 रुपया उसको देना पड़ जाता। अब भगवान ने सोचा कि चलो अब इसे बता देना चाहिए, तो भगवान ने उसके कान में कहा कि मैंने तेरे जैसा भी कंजूस आज तक नहीं देखा, और मांग तू क्या मांगता है, मैं तेरी इस लीला से बड़ा प्रसन्न हूँ। तो बता तब भी उसने क्या मांगा, भगवान सामने है फिर भी उसने क्या मांगा? हे प्रभु इतनी कृपा कर दो आज, जो धेला दिया दान में वो छोड़ दीजिए आज। मतलब भगवान सामने है फिर भी पैसे की ही बात कर रहे हैं, फिर भी धेला ही छुड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ वंचा कल्पित रूप है कृपा सिंधु वैसे पति तना पावने भो वैष्णव नम हरे कृष्णा। हरी बोल। देखो इधर ध्यान देख रहे, सुना? देखो नियम है, हम जितने पैसा हम लोग कमा रहे हैं, शास्त्र में बताया कम से कम 10% ठाकुर को सेवा में लगनी चाहिए। कितना लगनी चाहिए? 10% लगनी चाहिए, क्योंकि हमने जो कमा रहे हैं वो उसका नाम लक्ष्मी है। क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी किसके हैं? ठाकुर जी का लक्ष्मी है। अगर ये लक्ष्मी को केवल खुद धो करने के लिए उसको कमाओगे घर तो लक्ष्मी घर पे शांति नहीं देगी, क्योंकि लक्ष्मी तुम्हारी है ही नहीं। लक्ष्मी किसकी है? लक्ष्मी वो ठाकुर जी की लक्ष्मी है, तुम्हारी है ही नहीं। अगर वो ठाकुर को सेवा में लगेगी बा कोई अच्छे काम पर लगेगा तो वो लक्ष्मी घर में फिर ये शांति सुख तब भी घर में ये लक्ष्मी देती है, नहीं तो वो लक्ष्मी आकर फिर लड़ाई लगा देगी भाई भाई में, बहू बहू में, नहीं तो बहुत बड़ी कोई बीमारी ले आएगी और सारे पैसा उधर भेज आएगी, तो शांति सुख रहने नहीं देगी। इसलिए शास्त्र में पहले लोग क्या करते थे, उसको 1/4 नहीं तो 10% कुछ ना कुछ चीज को क्या करते थे, इसको सत्कर्म में लगाते थे, सत्कर्म में। अब टाटा बिरला का नाम सुने हो? जो टाटा है ना, जो बिरला, आप सोच नहीं सकते, जहां जहां जाओगे उसको धर्मशाला देखोगे, बड़े बड़े मंदिर देखोगे, वो तो इतने दान देता है जो सोच नहीं सकते। अंबानी भी
इसलिए देखना एक व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है लेकिन घर में पैसा नहीं आता है। एक व्यक्ति ऑफिस में बैठ करके फोन लगा कर करोड़ों करोड़ों पैसा कमा रहे हैं। बोले क्यों? कारण क्या? दिन भर तक एक व्यक्ति परिश्रम करता है, उसको रात का रोटी भी भाग्य नसीब में नहीं होता, लेकिन एक व्यक्ति तो बैठ बैठ करके फोन लगा कर करोड़ों रुपया कमा रहे। बोले कारण क्या? पहले जिसने बैंक में पैसा रखा होगा ना उसको तो मिलेगा, जिसने रखा होगा तो उसको तो मिलेगा, जो रखा नहीं होगा तो उसको कहां से मिलेगा? एक व्यक्ति को क्यों बैठ बैठ के मिल रहा है? कारण है, पहले उसने दान दिया है, उसने दान दिया है, बैंक में उसकी जमा है, तभी अभी आ रही है, इसलिए आ रहा है। इसलिए जितना दोगे ना उतना आएगा, जितने दोगे उतना आएगा। इसलिए नियम है, कुछ अंश भगवत सेवा में, कोई अच्छे काम में, गो सेवा में, भगवत सेवा में कुछ ना कुछ लगानी चाहिए, फिर तो आपको ब्याज समेत ये वस्तु फिर बैठ बैठ कर अगले जीवन में वो माल कमाओगे। और देखो हमारे संतों का कहना है, जैसे टाटा बिरला अंबानी कंपनी का नाम सुने हो, तो उन्होंने ऐसे क्या कर्म किया है जो कि इसी जीवन में उसको इतना पैसा मिल रहा है? क्या ऐसे कर्म किया? उसको पता नहीं होगा उसको कहां पैसा कितना पड़ा हुआ है कि नहीं, है ना? उसको पता नहीं कितना पैसा पूर्व जन्म में ऐसे किया क्या? संतों का कहना है, बोले पूर्व जन्म में उसने भगवान का नाम जप किया। क्या किया है? क्या किया? भगवान का नाम जप, भगवान के नाम जप किया। बोले इसलिए देखो ये भगवान का नाम दो तरह से जपा जाता है। अगर कोई निष्काम हो करके प्रभु का नाम जप करता है, ठाकुर जी हमें संसार का कोई चीज नहीं चाहिए, हमें तो केवल तुम्हारी भक्ति और प्रेम चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए, ठाकुर उसको क्या देते हैं? उसको अपना गोलोक वृंदावन स्थान दे देते हैं, अपना चरण में उसको स्थान दे देते हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई प्रभु का नाम जप कर रहा है, लेकिन प्रभु का तो नाम जप कर रहा है लेकिन इधर भावना है हमें पैसा मिल जाए, हमें दुनियादारी चीज मिल जाए, दुकान मकान सब मिल जाए, भगवान का नाम को बताया ये चिंतामणि। क्या है चिंतामणि? मतलब क्या? जो चिंता करोगे, जो मांगोगे भगवान का नाम से वही मिलेगा। इसलिए जिसने भजन तक किया लेकिन हरि नाम तक किया लेकिन प्रभु का कामना वासना को लेकर किया है, इसलिए प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी बर्बाद नहीं जाएगा। वो इसीलिए इसी जीवन में अरब खरब पति बने हुए। ऐसे अंबानी ने ऐसे कोई पुण्य नहीं किया, इतने पैसा उसको पास जो सोच नहीं सकता, क्या ऐसे पुण्य किया था? नहीं, अगले जीवन में उसने भगवान के नाम जप किया था, ठाकुर को सेवा तो किया लेकिन कामना वासना को साथ में किया, इसलिए नाम उसको क्या किया? ठीक है पैसा मांगते हो ना ले ले, पैसा जितना मांगते हो सारे पैसा ले ले, लेकिन ये चीज से संसार में सुखी नहीं रहोगे, संसार में सुखी नहीं रहोगे, सुखी तो प्रभु का भजन में ही होगा, प्रभु की भक्ति से ही मिलेगा शांति सुख। इसलिए भगवान का नाम कभी बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक है ना? इसलिए क्या करना, सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सबके सब एकादशी व्रत करियो, यहाँ पर तो ज्यादा करके हमारे सब शिष्य लोग भक्त लोग हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, और जो लोग नहीं रखते हो सबके सब एकादशी व्रत रखना, ठीक है ना? सबके सब जो आए, जो नए जो आए हो सबके सब एकादशी व्रत रखना, क्योंकि एकादशी व्रत को बताया ये कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब होता है एकादशी व्रत करके आप जो कुछ ठाकुर जी से मांगोगे सब इच्छा पूरी हो जाता है। एक एकादशी का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। जिसको घर में पैसा की कमी है अगर वो एकादशी करोगे ना तो घर में वाला आएगा। एक एकादशी का नाम अर्नदा, 15 दिन में एक बार आते ना, हर का अलग अलग नाम। अर्नदा मतलब जिस घर में अन्न की कमी है लेकिन वो एकादशी करोगे ना घर में तो अन्न आएगा। एक एकादशी का नाम पापमोचनी, पापमोचनी मतलब क्या? घर में खूब दुख कष्ट है, घर में शांति सुख नहीं, घर में शांति सुख नहीं, घर में बड़ा दुख कष्ट है, अगर वो पापमोचनी एकादशी करने से जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाती। एक एकादशी का नाम विजया, विजया मतलब अगर वो एकादशी व्रत करोगे तो तुम जहां जाओगे तुम्हारी जय होगा, कोई पराजय तुम्हारी होगी नहीं। इसलिए हर एकादशी का नाम एक एक अलग अलग नाम है, इसलिए जो लोग रख रहे हैं तो धन्यवाद है, और जो नहीं रख रहे हो सबके सब अगली एकादशी में
अभी आ रहे हैं एकादशी का, बीस तारीख को एकादशी है, ये शयन एकादशी ठाकुर जी का, ठीक है। सबके सब एकादशी व्रत रखियो और हरि नाम करो। बेटी बोला, ओम अज्ञान तिमिरान्तस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षु मिलयन्ति येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरु वैश्य कृपा सिन्धुये च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। गौरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पदम ओम विष्णु अर्चर श्री भक्ति वेदांत श्री श्रीधर महाराज जी के चरणों में नंद कोटि दंड प्रणाम। तत्पश्चात आप सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। एक राजा थे, तो उन राजा के तीन सवाल थे कि प्रभु एक है या अनेक है, और प्रभु के मतलब मिलते कहाँ हैं और रहते कहाँ हैं, और रहते हैं तो फिर वो करते क्या हैं। शायद हम सबके भी यही सवाल हैं। तो वो हर जगह सबसे यही सवाल पूछते हैं कि भाई मुझे कोई सवाल का जवाब दे दो, पर कोई दे ही नहीं पाता। तो एक दिन वो अपने घोड़े पे सैर करते हुए जा रहे थे, तो एक संत रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने उन संत से प्रणाम करते हुए पूछा, प्रभु आप मुझे मेरे तीन सवाल का जवाब दें। तो बोले, बोलो क्या जवाब, क्या सवाल है तुम्हारे। बोले, प्रभु एक है या अनेक है, और है तो मिलते कहाँ है, और वो करते क्या है। तो वो बोले, अच्छा ये कोई तरीका हुआ पूछने का, तुम तो घोड़े पे बैठे हो और मैं नीचे खड़ा हूँ, और तुम पूछ रहे हो कि मेरे सवाल का उत्तर दो, ऐसे थोड़ी ना दूंगा। तो बोले, ठीक है आप मेरे साथ चले और मेरे घर विश्राम करें, फिर आप मुझे बता दें। कहते हैं ठीक है चलो। तो महाराज ने बहुत सुंदर कुटिया की और उनका रहने का इंतजाम कराया। तो अब संत रहे, अच्छे से खाना खाया, और फिर राजा आए, बोले अब मुझे उन सवाल का उत्तर दें। तो बोले, अच्छा अभी दूं या फिर प्रजा को इकट्ठा करना है सबके सामने दो। बोले, सबके सामने दोगे तो और भी अच्छा होगा। बोले, ठीक है सबको इकट्ठा कर लो, दो तीन दिन है तुम्हारे पास। बोले, दो तीन दिन में कैसे इकट्ठा करूंगा, कम से कम एक महीना तो दो। तो बोले, ठीक है एक महीना है तुम्हारे पास, जाओ जितने व्यक्ति को इकट्ठा कर सकते हो कर लाओ। बोले, ठीक है। अब महाराज सुंदर अपना भजन करते कुटिया में रहते। अब जैसे वो शाम को घूमने जाते ना, तो वहाँ पर एक किसान था, तो वो किसान अपनी खेती करता रहता, तो संत वहाँ से घूमने जाते। तो संत जब घूमने जाते तो उनसे उस किसान से उनकी मित्रता हो गई। अब वो उनसे बातचीत करने लगे। तो वो किसान बोला, प्रभु आप संत हैं, मुझे कोई सेवा का मौका दीजिए अपने। बोले, वक्त आने पर बता दूंगा जो सेवा होगी। बोले, ठीक है महाराज बता देना। अब एक महीने के सिर्फ तीन दिन रहे। किसान ने फिर पूछा, महाराज कोई सेवा हो तो बताइए। बोले, वक्त आने पर बता दूंगा। अब सिर्फ उस एक महीने का एक दिन रह गया। संत ने राजा से कहा था, जब तक एक महीना पूरा ना हो जाए ना, तब तक मेरे पास मत आना दोबारा। बोले, ठीक है नहीं आऊंगा। तो एक महीने का एक दिन पहले संत उस किसान के पास गए और किसान से बोले, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें मेरी सेवा करनी है, तो चलो एक बात मैं बताता हूँ मेरी सेवा करना। बोले, हाँ महाराज जी बताइए क्या सेवा है। बोले, ठीक है एक काम करो, तुम संत बन जाओ। तो वो किसान तो डर गया, बोला, महाराज संत बन जाओ, मेरे तो बीवी बच्चे हैं, मेरा तो घर परिवार है, संत बन के कहाँ जाऊंगा। बोले, अरे नहीं नहीं संत बनने को ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि अपना घर बार छोड़ दो, बस कुछ समय तक मेरा वेश धारण कर लो। बोले, अच्छा ऐसे कह रहे हैं, ये करना ठीक होगा। बोले, हाँ ठीक होगा, मैं कह रहा हूँ तो ठीक ही होगा। तो कहते हैं, ठीक है प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। तो कहते हैं, ये लो मेरे कपड़े पहन लो और मुझे अपने कपड़े दे दो। कहते हैं, ठीक है। तो उन संत ने तो उस किसान के कपड़े पहन लिए और किसान ने संत के कपड़े पहन लिए। अब बोले, सुनो। तो बोले, महाराज के सामने घबराना मत, अब महाराज तुम्हारी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, भोग अर्पण करेंगे, तो चुपचाप खा लेना और आरती करा लेना। तो बोले, अगर उन्होंने कुछ पूछा तो मैं कैसे बताऊंगा। बोले, बस इतना कह देना, जो भी कुछ पूछे इस सवाल का जवाब तो ये किसान भी दे सकता है। बोले, ठीक है। अब वो एक महीना पूरा हुआ तो महाराज आए, पूरी प्रजा इकट्ठी हुई महल में, और जो किसान था संत के बेस में वो भी आया। अब वे आके बैठ गए स्थान पर, किसान बैठ गए और वो जो किसान संत बना था वो भी बैठ गया। अब वो कहते हैं, महाराज आपने एक महीना कहा था, अब मेरे उन तीन सवाल का उत्तर आप दें। तो बोले, प्रभु एक है या अनेक है। तो
बोले अच्छा इसका जवाब तो ये किसान भी दे सकता है। अब उन्हें तो पढ़ा गया तो पहले से ही कहते हैं ये इतना बड़े सवाल का जवाब ये साधारण सा किसान कैसे देगा। बोले मैंने कहा है तो ये दे ही देगा। तो वो तो संत बैठे थे, अब वो संत पूछते हैं ये एक है या अनेक है। बोले मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, चलो एक काम करते हैं तुम सोने की मोहरे मंगवाओ और वो सोने की मोहरे रखना, उन्हें तुम गिनना और मैं देखूंगा। बोले ठीक है मैं मंगवाता हूँ। तो राजा ने बहुत सारी सोने की मोहरे मंगवाई और एक उसमें रख दी। तो अब बोले ना गिनो। तो एक सोने की मोहर हाथ में ली और एक तरफ रख दी। बोले कितनी हुई, एक। तो बोले अच्छा ठीक है अब दूसरी गिनो। तो उन्होंने एक सोने की मोहर ली और दोबारा रखी। बोले दो। बोले झूठ के बोल रहे हो, ये तुम्हारे हाथ में एक ही तो है, दो कहाँ से हो गई है। तो बोले ये तो दो ही हुई है। बोले ऐसे कैसे हुई, तुम्हारे हाथ में तो एक ही है ना, तो एक ही हुई ना। बोले हाँ है तो सही बात, एक ही हुई। अब जैसे मैं रखूंगा, जैसे मैं बोलूंगा, जब तो दो होंगी, ऐसे कैसे हो जाएगी। तो बोले अब चाहे तुम कितने भी मोहरे रख लो, अब तुम वो अलग अलग एक एक मोहरे तो देखोगे, ये थोड़ी ना तुम उसमें उसे मिक्स कर दोगे तो वो दो हो जाएंगी। वो तो हमने बना रखा है कि ये दो हुई ये तीन हुई, ऐसे गिनोगे वैसे ही तो गिना जाएगा। ऐसे ही प्रभु एक है, बस भक्तों की सहायता के लिए और उनकी रक्षा के लिए उन्होंने अनेक रूप धारण किए हैं। श्री मुरली वाले ही हमारे प्रभु है और श्री मुरारी हमारे भगवान है। तो बोलते हाँ आपने सही कहा कि मोहरे तो एक ही है और प्रभु भी एक है। अच्छा तो आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए कि प्रभु रहते कहाँ है और मिलते कैसे हैं। बोले सवाल पे सवाल किए जा रहे हो, खाने को कुछ दे नहीं रहे हो, जाओ मेरे लिए कुछ खाने को मंगाओ। बोले अच्छा खाने क्या खाना है आपको। बोले जाओ दूध लेके आओ। बोले ठीक है। अब वो एक कटोरे में दूध लेके आए और उनके सामने रखा। अब उन्हें कहाँ दूध पीना था, बस उस दूध में ऐसे उंगली घुमाते रहे। अब राजा सोच में पड़ गया कि ये कर क्या रहे हैं। बोले आप इसे पीने के लिए मंगा रहे हो, बोले उंगली घुमा रहे हो। बोले मैं सोच रहा हूँ दूध में से घी निकलता है, घी निकल जाए किसी तरह। बोले ऐसे कैसे घी निकल जाएगा, इसको आपको दही जमानी पड़ेगी, फिर इसको पिलोना पड़ेगा, फिर इसमें से मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन का घी निकलेगा। जब घी निकलेगा ऐसे थोड़ी ना आप उंगली घुमाओगे और घी निकल जाएगा। कहते हैं अच्छा पता चल गया इसमें से ऐसे घी नहीं निकलने वाला। बोलते हैं हाँ अब तुमने पूछा था प्रभु मिलते कहाँ है, प्रभु तो कण कण में है तुम्हारे अंदर। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा कि इस खम्भे में भगवान है, तो अपने भक्त की वाणी की रक्षा करने के लिए प्रभु खम्भे में से ही प्रकट हुए। भगवान हम सब के भीतर है, बस वो नेत्र चाहिए जिनसे हम उन्हें देख सके। प्रभु तो हर जगह विद्यमान है और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वे आते ही है। अब तुमने पता चला ना कि इस दूध में से ऐसे घी नहीं निकल सकता। ऐसे ही भगवान का यदि हम नाम नहीं लेते और हमें मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिलता, बहुत योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। यदि हम सोचे कि ये मनुष्य जीवन हमें ऐसे ही मिल जाता है और हम इसे ऐसे ही बर्बाद कर दे तो हम बहुत बड़े पापी हैं, हम एक पाप कर रहे हैं यहाँ के यदि हम हरि नाम नहीं लेते। इसलिए कहते हैं जैसे घी को ऐसे हम उसकी व्यवस्था करते हैं, उसमें से मक्खन निकलता है, दही पिलोते हैं, जैसे हम परिश्रम करते हैं ऐसे ही यदि हम भगवान का नाम में परिश्रम करें तो वो जो सुंदर घी निकलता है ना, वो जो पाद में भक्ति का परिणाम निकलता है, हमें प्रभु मिलते हैं, वो भगवान का ऐसे भगवान मिलते हैं। बोले अच्छा आपने तो मेरे दूसरे सवाल का भी उत्तर दिया। बोले अब तीसरे सवाल का उत्तर दीजिए कि प्रभु करते क्या है। बोले बस सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं और तो खुद में कुछ काम नहीं है। तो बोले जवाब तो दीजिए। बोले ठीक है मैं सवाल कर रहे हो मैं जवाब दे रहा हूँ, तो तुम गुरु है या मैं गुरु हुआ। बोले गुरु तो आप ही हुए अगर आप बता रहे हैं। तो बोले ठीक है तो नीचे आ जाओ तुम, ऊपर सिंहासन पे बैठे बैठे सवाल पे सवाल किए जा रहे हो बस मुझसे। अब महाराज को तो तीसरे सवाल का जवाब चाहिए था, तो वो चुपचाप नीचे आ गए। बोले अब मैं यहाँ बैठूंगा। अब उन्होंने तो साधन किसान का वेशन धारण कर रखा था। बोले ठीक है चलो आप बैठ जाइए, आपको पता है इतना ज्ञान है आप में। तो वो बैठ जाते हैं। बोले पूछा था ना प्रभु करते क्या हैं, ये करते हैं अपने भक्तों को वो हमेशा ऊपर रखते हैं और जो भगवान का नाम नहीं लेते उन्हें जैसे तुम अब नीचे खड़े हो ना ऐसे नीचे खड़ा कर देते हैं। इसलिए प्रभु का नाम ले इन्हीं सब्जी शब्दों के साथ वांछा कर करके तो प्रभु का नाम पावने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। भगवान का नाम लो ठीक है, तब थोड़ा कीर्तन कर लो, फिर प्रसाद के लिए। प्रसाद कहाँ, यहीं पर प्रसाद हो गया। बोला हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे बोल कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे 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 श्री राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे राधे जय राधे जय जय राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल वृंदावन में राधे राधे तेरे बाकुंज में राधे राधे गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे बरसाने में राधे राधे काकी कोर पे राधे राधे चौली में राधे 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 प्रेम से बोलो राधे राधे खाली बजा के राधे राधे साथ बजा के राधे राधे खाली बजा के राधे राधे खाली बजा के राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे आगे बोले राधे राधे पीछे बोलो राधे राधे भैया बोले राधे राधे भैया बोले राधे राधे सबसे बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे आवाज नाई राधे राधे मुंह बोलो राधे राधे मुंह बोलो राधे राधे मुंह बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे आवाज नाई राधे राधे भैया बोले राधे राधे भैया बोले राधे राधे सबसे बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे 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 हाँ एक बार शरीर को थोड़ा हिलाते हुए और थोड़ी देर नाचते हुए बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
hari 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 hari